और सबसे बड़ी बात है, महात्मा गांधी के पूरे आंदोलन में जो भाव कभी प्रकट नहीं हो सकता था, पूरे गांधी के चिंतन मनन और विचार और आचार को देखें, उससे हटकर के घटना घटी कि इस महापुरुष ने कहा करेंगे या मरेंगे। गांधी के मुंह से करेंगे या मरेंगे शब्द देश के लिए अजूबा था और इसलिए गांधी को भी उस समय कहना पड़ा था और उन्होंने शब्द कहा था। आज से आप में हर एक को स्वयं को एक स्वतंत्र महिला या पुरुष समझना चाहिए और इस प्रकार काम करना चाहिए मानो आप स्वतंत्र हैं। मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी चीज पर संतुष्ट होने वाला नहीं हूं। हम करेंगे या मरेंगे, ये बापू के शब्द थे और बापू ने स्पष्ट भी किया था कि मैंने मेरे अहिंसा के मार्ग को छोड़ा नहीं है। लेकिन आज स्थिति ऐसी और वो समय जन सामान्य का दबाव ऐसा था कि बापू के लिए भी उसका नेतृत्व संभालते हुए उन जन भावनाओं के अनुकूल इन शब्द प्रयोगों को करना हुआ था। मैं समझता हूं कि उस समय समाज के जब सभी वर्ग जुड़ गए, गांव हो, किसान हो, मजदूर हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, हर कोई इस आंदोलन के साथ जुड़ गए और करेंगे या मरेंगे। और बापू तो यहां तक कहते थे कि अंग्रेजों की हिंसा के कारण कोई भी शहीद होता है तो उसके शरीर पर एक पट्टी लिखनी चाहिए, करेंगे या मरेंगे, और वो इस आजादी का आंदोलन का शहीद है। इस प्रकार की ऊंचाई तक इस आंदोलन को बापू ने ले जाने का प्रयास किया था और उसी का परिणाम था कि भारत गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ। देश उस मुक्ति के लिए छटपटा रहा था। नेता हो या नागरिक, किसी की इस भावना की तीव्रता में कसू भर भी अंतर नहीं था। और मैं समझता हूं देश जब उठ खड़ा होता है, सामूहिकता की जब शक्ति पैदा होती है, लक्ष्य निर्धारित होता है और निर्धारित लक्ष्य पर चलने के लिए लोग कृतसंकल्प होकर के चल पड़ते हैं तो 42 से 47 पांच साल के भीतर भीतर बेड़ियां चूर चूर हो जाती हैं और मां भारती आजाद हो जाती है।